छत्तीसगढ़ चिटफंड कंपनी की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, निवेशकों को लौटाया जाएगा जल्दी पैसा। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी के खिलाफ अभियान जारी। इसी क्रम में राजनांदगांव की एक चिटफंड कंपनी की 7 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। यह राशि शासन के खाते में जमा कर दी गई। अधिकारी तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया कि राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के संचालक प्रेम देवांगन की संपत्ति कुर्क कर 7 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक की राशि खाते में जमा कर दी गई है। यह राशि निवेशकों को शीघ्र लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आगे बताया गया है कि इसी प्रकार बिलासपुर ज़िले में चिटफंड कंपनियों के संचालक कमलेश सिंह की संपत्ति कुर्क हुई। इसके बाद 2,80,000 की राशि निवेशकों को प्रदान की गई। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर चल रहे प्रकरणों को न्यायालय के माध्यम से ही शीघ्र ही वापस लें। साथ ही कंपनियों के संचालकों की संपत्तियां कुर्क कर निवेशकों को शीघ्र राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरी तरफ हजारों करोड़ों रुपया रोज वैली चिटफंड कंपनी घोटाले की जांच में इन जानकारियों के सामने आया कि एक साथी प्रवर्तन निदेशालय ED अभिनेत्री सुब्रा कुंडू पर शिकंजा कसा है। सुब्रा रोज वैली चेयरमैन गौतम कुंडू की पत्नियां सुब्रा के खिलाफ शुक्रवार को लुकआउट नोटिस भेजने के बाद ED अधिकारी बंगाली अभिनेत्री विदेशी संपत्तियों को लेकर पूछताछ करने पर विचार कर रही है। इन विदेश की संपत्तियों का खुलासा हाल ही में गौतम कुंड धन शोधन गिरोह ने के सुराग से चला है। सुब्रा से पूछताछ में बंगाल की राजनेताओं की नींद हराम हो सकती है जो उसके साथ करीबी तौर पर जुड़े हैं। ED ने शीघ्र सूत्रों में खुलासा किया है कि सुब्रा कोलकाता छोड़ने की विशिष्ट जानकारी मद्देनजर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये जानकारी पसंद आए तो हमारे ST News चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।